हाय, आप सभी का स्वागत है प्रियंका की हिंदी रेसिपीज में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल दाल तड़का की रेसिपी। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1/4 कप तुअर दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं। साथ ही में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून मसूर दाल। तो एक हल्की सी थिकनेस यानी गाढ़ापन ऐड करने के लिए मूंग दाल यूज़ की जाती है, लेकिन आप मूंग की जगह 1 टेबलस्पून मसूर की दाल यूज़ करें, आपकी दाल तड़का ज़्यादा टेस्टी बनेगी। दाल को आप पानी डालकर अच्छे से 2 से 3 बार धो लें। आज मैं इसे प्रेशर कुक नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए भिगोकर रखूंगी। थोड़ी देर मतलब कम से कम आधा घंटा आप इसे भिगोकर रखें, अगर आप डायरेक्टली इसे पैन में यानी एक बर्तन में पकाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो आप बस इसे धोकर यूज़ कर सकते हैं, पका सकते हैं। एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 500 ml पानी और ये भिगोई हुई दाल। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। हल्दी डालकर अच्छे से मिलाएं। प्रेशर कुकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लो मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक दाल को पका लें। इस तरह से बर्तन में दाल पकाना काफ़ी हेल्दी और अच्छा होता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आजकल हम ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं, पर कभी कभार आप ट्राई कर सकते हैं। दाल पक गई है, मैं इसे हल्का सा मैश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमें मैश नहीं करना है। तड़का देने के लिए कढ़ाई में डालें 3 से 4 टीस्पून घी। घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। घी गर्म हो जाने के बाद डालें 1/2 टीस्पून जीरा, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर ले जब तक ये हल्के से सुनहरे हल्के गोल्डन ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप फ्राई कर ले लगभग 30 सेकेंड या जब तक कच्ची स्मेल ना चली जाए। फिर डालें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, 1 हरी मिर्च चीरा लगाकर। इन्हें भी अच्छे से मिला लें धीमी आँच पर। उसके बाद डालें 2 छोटे से मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो ढककर 5 मिनट पका सकते हैं धीमी आंच पर, और थोड़ा सा नमक डालेंगे तो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर काफ़ी अच्छे से गल गए हैं, कड़छी से आप इसे दबाकर इन्हें मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद डालें पकी हुई दाल और थोड़ा सा पानी। अगर आपने ऑलरेडी बहुत दाल पतली कर ली है तो पानी ज़्यादा ना डालें, और टेस्ट के हिसाब से नमक। पहले हमने नमक केवल टमाटर के लिए डाला था थोड़ा सा, बाद में आप दाल के हिसाब से डाल लें। अच्छे से मिला लें और एक उबाल आने दें। दाल में एक अच्छा उबाल आ गया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, हम बहुत पतली नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। आखिर में डालें हरा धनिया और अच्छे से मिला लें। दाल हमारी रेडी है। अब लगाते हैं सेकेंड वाला तड़का। उसके लिए कड़छी में डालें थोड़ा सा घी, और आप चाहें तो घी और तेल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर केवल तेल ले सकते हैं, या फिर केवल घी। इसमें डालें 3 से 4 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। धीमी आंच पर आप लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लें। यहाँ पर आपको फ्लेम नज़र नहीं आ रही है क्योंकि ये जो गैस है एकदम लाइट में है, बाहर है, इसीलिए धीमी ही आंच पर जब लहसुन हल्का सा सुनहरा हो जाए आप डालें सूखी लाल मिर्च। मैंने बीज निकाल दिए ताकि तीखापन कम हो जाए। गैस बंद करें और उसके बाद डालें लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो कढ़ाई के ऊपर ही इस तड़के को डाल सकते हैं, या फिर तड़के का तेल बनाकर रखें, तेल या घी, और जब आप परोसेंगे दाल को तो आप थोड़ा थोड़ा हर सर्विंग में ऊपर से इसे डाल सकते हैं। दाल तड़का आप चावल के साथ खा सकते हैं, वैसे ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा तला हुआ प्याज है, ये एक्चुअली मैंने बिरयानी के लिए तला था इसलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्राई कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो ये है हमारी ढाबा स्टाइल दाल तड़का। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।